सभी साथियों को मेरा हुल जोहार। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि आज पूरे देश में सरस्वती पूजा का माहौल है और जगह जगह स्कूलों में, कॉलेजों में, गांव में, गंज में, गली में, चौराहे में लोग मूर्ति को रख के पूजा कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे जमशेदपुर से करीब 7-8 किलोमीटर एक गांव में, इस गांव का नाम है पिपला और पंचायत क्या है, बड़ा बाकी पंचायत में, यहाँ पे गांव में पूजा हो रहा है। किंतु लेकिन यहाँ पे मूर्ति नहीं है, मूर्ति के जगह में यहाँ पे किताबें हैं और घाट है, यहाँ मूर्ति नहीं है। तो आइए इनसे, ये मूर्ति क्यों नहीं, ये भी हम लोग जानेंगे इन लोगों से। और यहाँ जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इधर में आपका अब्दुल कलाम का एल्बम लगाया है जो हाँ ये पूजा करे क्लब में, चार्ली चैपियन का कोट है और भी बहुत सारे इस तरह के कुछ है। तो हम लोग जो आयोजन कमेटी के लोग हैं उनसे हम लोग जानेंगे, है ना, क्या है कि इन लोगों का क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो इधर इधर ये थोड़ा लाइट इधर में, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कपिल देव महतो है। हम लोग लगभग 4 साल से ये कर, जब हम लोग का थोड़ा बड़े लोग जो हम लोग को बताएं कि पहले हम लोग कैसे पुथी का ही ऐसे पूजा नहीं बोलेंगे, पुथी पूजा नहीं बोलेंगे, पुथी के सम्मान में हम लोग ये रखते हैं क्योंकि पुथी से हमको हम लोगों को ज्ञान मिलता है। अगर हम लोग कोई मूर्ति रख के ये करते हैं तो नहीं लगता कोई मूर्ति की पूजा करने से हम लोग को ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं उसी किताब से हम लोग को ज्ञान मिलता है। पुथी मतलब हो गया, मैंने जैसे हम बताना चाहते हैं, जो हम लोग मतलब पद दिखाता है, जैसे पुथी हम लोग का पद दिखाता है, रास्ता दिखाता है ना। तो इसीलिए हम लोग इसी पुथी पूजा नहीं, पुथी के सम्मान में हम लोग ये आयोजन रखते हैं जिससे हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है। और ये ब्राह्मण्यवाद के विरोध में भी यह है कि मूर्ति पूजा में हर जगह ब्राह्मणवाद घुस गया और ब्राह्मणवाद का ही पूजा है, लेकिन ये पुथी हम लोग अपने करते हैं, इसमें कोई पुरोहित नहीं रहता है, ये अपने से हम लोग करते हैं। क्या नाम बताएं आपका? कपिल देव महतो। कपिल देव महतो जी, तो आप लोग तो ये कुड़मी हुए ना? हाँ जी। तो कुड़मी समाज ही मतलब इसको जगह जगह इसको कर रहा है कि और भी कोई बाकी समाज का लोग? बाकी समाज अभी तो फिलहाल नहीं आए हैं, लेकिन ये कुड़मी समाज बहुत जोर जोर से ये कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग चंद और एक यहाँ का जो कमिटी के हमारे ही है साथी, क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम चंदन महतो है। हाँ, तो क्या है ये आप लोग का? जैसा कि देख पा रहे हैं अभी हम लोग यहाँ लगभग 4-5 साल से जो है हम अपना संस्कृति का जो भी कुछ हम लोग समझे, पहले हम लोग का क्या होता था कि 4-5 साल पहले यहाँ पे एक मूर्ति लगता था, मूर्ति का पूजा होता था, फिर कुछ कल्चर आया हम लोग के सामने, हम लोग समझे कि ये जो अभी मूर्ति पूजा हो रही है हम लोग का संस्कृति का हिस्सा नहीं है, हम लोग जो है आदिवासी है, हम लोग प्रकृति पूजक है, तो क्यों ना मूर्ति को हटा के हम लोग का जो आदिवासी का जो एक्चुअली संस्कृति होता है, जैसे हम लोग गुहाल पूजा करते हैं तो उसमें 9 घर बना के गुहाल पूजा करते हैं, तो उस टाइप का भी वही एक्चुअली हम लोग का संस्कृति है, तो वही संस्कृति का लेके अभी हम लोग चल रहे हैं। और जो हम लोग का संस्कृति नहीं है उसको नहीं मानने का ही हम बाकी साथियों को आग्रह करते हैं। और सबसे निवेदन यही है कि अपना संस्कृति को सब कुछ समझने का कोशिश करें। हम लोग का जो संस्कृति बताया जा रहा है अभी हिंदू संस्कृति, वो हम लोग का संस्कृति है नहीं, हम लोग हिंदू संस्कृति से परे हैं, हम लोग का आदिवासी संस्कृति है। जैसे यहाँ पे ठीक है आदिवासी संस्कृति है, यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग किताब रखे भारत का संविधान को भी रखे हैं जी सर, तो वो क्यों रखे आप लोग भारत का संविधान का, इसका रखने का क्या है कि भाई हम लोग संविधान को जाने, संविधान को समझे, जाने संविधान को पढ़े, क्योंकि ज्यादातर पढ़े लिखे लोग संविधान को पढ़े हुए नहीं होते हैं, तो आशा करते हैं कि सब कोई संविधान को जाने और देश के कानून को भी समझे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चंदन जी को। और इस तरीके के जो जितने भी मतलब मूर्ति पूजा और दिखावटी से दूर हम लोग, इन लोगों ने जैसे एक सादा शिफ्ट आयोजन किया है और जैसे हम लोग देख सकते हैं गमछा के रूप में, जैसे दूसरा जगह लाल गमछा लगाता है, इन्होंने हम लोग का जो आदिवासी संस्कृति का जो पीला गमछा को रखा है, ये भी इन लोगों का काबिले तारीफ है और बहुत बहुत बधाई इन लोगों का इस तरीके सादगी तरीके पूर्ण तरीके से और ब्राह्मणवाद से मुक्त ये लोग जो पूजा का एक आयोजन पिछले 4 साल से कर रहे हैं, तो इसके लिए इन लोगों का एक प्रयास का सराहना किया जाना चाहिए। और बाकी जितने भी जगह हैं सरस्वती पूजा होता है इस तरीके का पूजा और ज्ञान का पूजा होना चाहिए, संविधान का पूजा होना चाहिए, संविधान को पढ़ा जाना चाहिए, पूजा करिए या मत करिए लेकिन संविधान को हम लोगों को पढ़ा जाना बहुत जरूरी है।
तो इन्होंने संविधान को एक प्रतीकात्मक रूप में रखा है कि भाई हम लोग संविधान को कैसे हम लोग जाने समझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन कमेटी को, और आप लोग देख रहे थे द न्यू ग्लासेस। तो सभी साथियों को एक बार फिर से मेरा हुल जोहार।